मंत्री जो है पिछली सरकार ने 85 योजनाओं में जो सरकार की 85 योजनाएं थी उसमें मुस्लिमों को 20% कोटा देने की बात कही थी। हमेशा विरोधी जितने विपक्षी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। ये कभी प्रजापतियों को शेड्यूल कास्ट में है करने के लिए कह देते हैं, प्रस्ताव कर देते हैं जो इनके अधिकार की बात राज्य सरकार की नहीं होती। कभी किसी बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में कर दो, कभी किसी उसको अल्पसंख्यक को कोटा दे दो। एक भी वो 85 की आप बात कर रहे हैं, एक भी योजना में किसी में अल्पसंख्यक को इन्होंने लाभ नहीं दिया, कोई इन्होंने लागू नहीं की। ये सब जवानी जमा खर्च है। हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ समान व्यवहार। तो प्रस्ताव जो पिछली सरकार ने किया 20% वाला, उसको पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, जवानी जमा खर्च है। मैंने तो आज तक कोई प्रस्ताव ऐसा कोई उनका कानून देखा नहीं जिसमें 85 योजनाओं में उन्होंने लाभ दिया हो। ये जहाँ छात्रवृत्ति की बात है, छात्रवृत्ति ही हम अनुसूचित जाति के बच्चों को भी देते हैं, पिछड़ी जाति के बच्चों को भी देते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति देते हैं। जहाँ कन्या की शादी का सवाल है उसमें हम पिछड़ी जाति को भी देते हैं, सामान्य जाति को भी देते हैं, हम अनुसूचित जाति को भी देते हैं, अल्पसंख्यक जाति को भी देते हैं। तो जहाँ तक इन हमारी योजनाओं का सवाल है, वो योजना पूर्व में सब पहले से, आज से नहीं, 95 से लागू है। और जो इन्होंने 85 योजनाओं में अल्पसंख्यक को कोटा देने की बात कही, रिजर्वेशन देने की बात कही, वो सब केवल एक चुनावी बात थी। और चुनावी ही बात के रहते हुए इन्होंने जो मैंने बताया कि तुष्टिकरण की इनकी नीति थी, बाकी कहीं भी धरातल पे ऐसा नहीं था कि इन्होंने कभी भी 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को अपने कहीं रिजर्वेशन दिया हो। तो पिछली सरकार ने नहीं दिया, आपकी सरकार लाभ देगी उन्हें? अरे भाई, हमारे यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं। हमारे यहाँ तो मैंने बताया, आदरणीय योगी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास। हम तो 3 तलाक को तो हम खत्म करने पर सहमत हो रहे हैं। तो यहाँ आप करते फिर तुष्टिकरण की बात कर रहे हो आप, एक आप लोग इनको स्पेशल योजना में लाभ देने की सोच रहे हैं, स्पेसिफिक लाभ देने की सोच रहे हैं। इसमें स्पेसिफिक लाभ देने की कहाँ बात है, सबका साथ सबका विकास। योगी जी ने बरेली में बड़ा बयान दिया है, इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संक्षेप बताइए। देखिए, हमारी बात सुनिए, आदरणीय योगी जी को इस तरह की कोई सूचना प्राप्त हुई होगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते। उनको वो सूचना यदि प्राप्त हुई है तभी उन्होंने कोई बयान दिया होगा, ये मेरी जानकारी से बाहर है। मंत्री जी, पिछली सरकार ने 85 योजनाओं में जो सरकार की 85 योजनाएं थी उसमें मुस्लिमों को 20% कोटा देने की बात कही थी। हमेशा विरोधी जितने विपक्षी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। ये कभी प्रजापतियों को शेड्यूल कास्ट में है करने के लिए कह देते हैं, प्रस्ताव कर देते हैं जो इनके अधिकार की बात राज्य सरकार की नहीं होती। कभी किसी बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में कर दो, कभी किसी उसको अल्पसंख्यक को कोटा दे दो। एक भी वो 85 की आप बात कर रहे हैं, एक भी योजना में किसी में अल्पसंख्यक को इन्होंने लाभ नहीं दिया, कोई इन्होंने लागू नहीं की। ये सब जवानी जमा खर्च है। हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ समान व्यवहार। तो प्रस्ताव जो पिछली सरकार ने किया 20% वाला, उसको पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, जवानी जमा खर्च है। मैंने तो आज तक कोई प्रस्ताव ऐसा कोई उनका कानून देखा नहीं जिसमें 85 योजनाओं में उन्होंने लाभ दिया हो। ये जहाँ छात्रवृत्ति की बात है, छात्रवृत्ति ही हम अनुसूचित जाति के बच्चों को भी देते हैं, पिछड़ी जाति के बच्चों को भी देते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति देते हैं। जहाँ कन्या की शादी का सवाल है उसमें हम पिछड़ी जाति को भी देते हैं,
सामान्य जाति को भी देते हैं, हम अनुसूचित जाति को भी देते हैं, अल्पसंख्यक जाति को भी देते हैं। तो जहाँ तक इन हमारी योजनाओं का सवाल है, वो योजना पूर्व में सब पहले से, आज से नहीं 95 से लागू है। और जो इन्होंने 85 योजनाओं में अल्पसंख्यक को कोटा देने की बात कही, रिजर्वेशन देने की बात कही, वो सब केवल एक चुनावी बात थी। और चुनावी ही बात के रहते हुए इन्होंने जो मैंने बताया कि तुष्टिकरण की इनकी नीति थी, बाकी कहीं भी धरातल पे ऐसा नहीं था कि इन्होंने कभी भी 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को अपने कहीं रिजर्वेशन दिया हो। तो पिछली सरकार ने नहीं दिया, आपकी सरकार लाभ देगी उन्हें? अरे भाई, हमारे यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने बताया आदरणीय योगी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास। हम तो 3 तलाक को तो हम खत्म करने पर सहमत हो रहे हैं। तो यहाँ आप कर तो फिर तुष्टिकरण की बात कर रहे हो आप, एक आप लोग इनको स्पेशल योजना में लाभ देने की सोच रहे हैं, स्पेसिफिक लाभ देने की सोच रहे हैं। इसमें स्पेसिफिक लाभ देने की कहाँ बात है सब। जल्दी करने पड़ेंगे।